नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। अब आपको इतना तो पता होगा कि बिहार सरकार के समीक्षा के बाद अब स्कूल, कॉलेज, मॉल सहित सिनेमा हॉल सहित सारे बंदिशों को खत्म कर दिया गया है और वाहन चालक अब भरकर वाहन को चला सकते हैं। यानी कि जो यात्री वाहन चला करती थी उस यात्री वाहन पर से भी पाबंदी हटा दी गई है, लेकिन सरकार के नजर में यह बात गई और सरकार को पता चला कि यात्री वाहन में यात्रियों से जबरन से अधिक राशि वसूली जा रही है। संज्ञान में यह बात आया विभाग को, परिवहन विभाग को, और बिहार सरकार को यह जानकारी हुई कि वाहन के मालिक वाहन पर यात्री को चढ़ने पर दुगुना तिगुना पैसा वसूलते हैं। जैसे पटना अगर जाना है अमुक जगह से तो 200 का भाड़ा होना चाहिए, तो 600, 700, 800 वसूला जाता है। चूंकि दो ये जो कोरोना का फेज था, इस फेज में यात्री वाहन को चलाने की अनुमति मिली थी बिहार सरकार से कुछ शर्तों के साथ। उस अनुमति के मिलने के बाद वाहन मालिक अपने वाहन के भाड़े ज्यादा से ज्यादा वसूल रहे थे। चूंकि ट्रेनें बंद थी, इक्का दुक्का ट्रेन फिर चली, ट्रेनों की संख्या कम है और मजबूरन लोग यात्री वाहन यानी बस, चार चक्का बड़ी गाड़ी, जीप, छोटी गाड़ी, लग्जरियस गाड़ी, इन गाड़ियों पर लोग सफर करने लगे। अब यात्री वाहन के मालिक यात्रियों से जबरन, बाय फोर्सली जिसे कहते हैं, अनाप शनाप रुपया वसूल रहे थे। यह खबर सरकार को मिली, शिकायत मिली है कि जब सामान्य दिन के तरह गाड़ियां चलानी है तो फिर ज्यादा भाड़ा क्यों वसूला जाए। इन बातों के सरकार के नजर में आने के बाद सरकार ने स्पष्ट किया, परिवहन मंत्री ने स्पष्ट कही कि जिस वाहन मालिक के बारे में या कंडक्टर, ड्राइवर या जो चालक हैं, जो जानकारी मिलेगी कि अमुक वाहन में अधिक पैसा वसूले जा रहे हैं, उन वाहन मालिकों के गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा और मोटी रकम जुर्माना के रूप में वसूली जाएगी। यह सरकार का आदेश है। हर बिहार के हर कोने में यह खबर भेज दी गई है परिवहन विभाग में और इस विषय में परिवहन विभाग के पदाधिकारी सर्वेक्षण करने के लिए निकलेंगे या जांच करने के लिए निकलेंगे या छापामारी करने के लिए निकलेंगे या वो मिलीभगत से चुप करके बैठेंगे, यह उनका निर्णय। लेकिन स्पष्ट किया गया है कि अब यात्रियों से मनमानी भाड़ा नहीं वसूली जाएगी। अगर वसूली जाएगी तो उन वाहन मालिकों से वाहन जब्त करी जाएगी, साथ ही साथ जुर्माना लिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। क्या यह संभव है? अगर संभव है तो यात्रियों को लाभ होगा, अगर मिलीभगत हो जाएगी तो यात्रियों को लाभ नहीं होगा। यात्रियों का बहुत ज्यादा शिकायत है, कोरोना के दरमियान गाड़ी मालिक 100 के 1000 वसूले हैं, आदतें उनकी बिगड़ चुकी है, मनमानी करने की आदत हो गई है। अब सरकार के संज्ञान में मामला आया है, क्या वाहन मालिक बिना कड़ाई किए आदत को छोड़ेंगे? यह वक्त रहते ही पता चल पाएगा। चूंकि नीतीश कुमार के नुमाइंदों के बीच में यह कह दी गई है, पदाधिकारियों के बीच में, कि अब चाक चौवस रह के इस पर रोक लगाना है। अब देखना है कि रोक लगता है कि नहीं लगता है। आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाल बटन घंटी दबा कर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।